अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल और मज़ेदार साथ तवा कीमा की रेसिपी बाहर से हम तवा क़ीमा जब लेते हैं तो बहुत ही डिलीशियस लगता है क्यों ना आज हम अपने घर पर तवा कीमा बनाएँ और मज़े से इन्जॉय करें बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार बनता है और कीमा इसका बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनकर ये तैयार होता है सिंपल और आसान सी ये रेसिपी है और रेसिपी बहुत ही मज़े की है रेसिपी को तो एंड तक ज़रूर देखिएगा अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया तो चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं मज़ेदार सा तवा कीमा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लूँगी कीमा ये तकरीबन हाफ़ के जी के बराबर मेरे पास कीमा है जिसे मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया ये बीफ का कीमा है एक दरमियाना साइज़ का प्याज और दो दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने काट कर इसमें शामिल कर दिए हैं लहसन अदरक का पेस्ट है एक चम्मच के बराबर ये भी इसमें शामिल कर दें लाल मिर्च का पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं हल्दी शामिल की है हाफ टी स्पून के करीब और एक कप इसमें मैंने पानी का शामिल कर दिया है ताकि ये कीमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको दो से तीन सीटी आने तक हम इसको गला लेंगे अच्छे तरीके से तकरीबन पंद्रह मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से कीमा तो अच्छे से सॉफ़्ट हो चुका है और इसमें जो हमने प्याज और टमाटर डाले थे वो भी अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो चुके हैं अभी कुछ पानी इसमें बाकी है तो हम इसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे फ्लेम को यहाँ पर हमने हाई कर लेना है और पाँच से सात मिनट लगेंगे तो ये पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा तो हम इस कुकर को उतार लेंगे ये देखें यहाँ पर पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है इसी स्टेज पर हम इस कीमे को ठंडा करके फ्रीज भी कर सकते हैं इसके बाद हम इसे तवे का टच देंगे तवे के लिए हम मैंने यहाँ पर बड़ा पैन ले लिया है जो तवे की शेप में है यहाँ मक्खन डाल रही हूँ मेरे पास है 100 ग्राम के करीब और उसमें मैं ये कीमा शामिल कर दूँगी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस उतना कीमा मैं बनाऊँगी और उसके बाद जो बाक़ी बचता है वो फ्रीज़ कर लेंगे हम यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज़ है मेरे पास जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है ये शामिल कर दें और एक बड़े साइज़ का टमाटर था वो भी मैंने चॉप कर कर इसमें शामिल कर दिया है मज़ीद इसमें कुछ मिर्च मसाले जाएंगे नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब खुश्क धनिया का पाउडर है हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब मिर्च मिसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ हम इसकी मक्खन से भुनाई करेंगे यहाँ अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग ऑयल भी आप शामिल कर सकते हैं कोई इशू नहीं है वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दो से तीन हरी मिर्चें हैं मेरे पास जिनको मैंने बारीक सा चॉप कर कर इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ हमने कीमे की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई रखना है और हाई फ्लेम पर हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है जितना ज़्यादा कीमा भुना हुआ होगा उसका टेस्ट और फ्लेवर उतना ही बढ़कर सामने आएगा यहाँ पर मैंने कीमा बीफ का इस्तेमाल किया है और ये मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है अगर आप मशीन का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो फिर प्रेशर कुकर वाला प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा आपने डायरेक्ट तवे पर ही कीमे को फ्राई कर लेना है और बाकी तमाम मिर्च मिसाले उसी तरीके से शामिल कर देने हैं बुनाई करते वक्त मुझे पाँच से सात मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है मैंने मक्खन शामिल किया था तो मक्खन की एक अपनी स्मेल होती है जो कि कीमे में बहुत ही टेस्टी लगती है फ़्लेम को यहाँ पर मैंने लो कर दिया है और शामिल करने लगी हूँ अदरक के कुछ स्लाइसिस हैं और हरा धनिया शामिल कर रही हूँ लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं इस पर मज़ेदार साथ तवा कीमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है आप इसे रोटी चपाती नान पूरी पुराठे के साथ भी ले सकते हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होता है आई होप कि आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा खुश रहें खुशियाँ बाँटें इजाज़त चाहती हूँ फिर आऊँगी इन शाला नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ आयशा को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में मुझे याद रखिएगा अल्लाह हाफ़िज